अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चेक करेंगे कि आप विंडोज़ 7 में किस तरह अपना वीडियो कार्ड और प्रोसेसर और रैम को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो हैं कि अपना वीडियो कार्ड किस तरह चेक करें विंडोज़ 7 में, वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। बहुत ही ईजी है, इससे आप अपना ग्राफिक कार्ड भी से कहते हैं, वीडियो कार्ड भी कहते हैं, वो किस तरह चेक करते हैं। आप स्क्रीन रेजोल्यूशन में जाएँ, एडवांस सेटिंग में जाएँ। ये जी आपका ग्राफिक कार्ड कितना है, ये वो मेमोरी बताएगा और ऊपर इसका चिप टाइप जो है, ये ग्राफिक कार्ड का नाम वगैरह लिखा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडोज 7 में प्रोसेसर और रैम किस तरह चेक की जा सकती है। रैम आपको पता है जो स्टोरेज करती है, जो हमारी जो फाइल्स हैं, और जो प्रोसेसर है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। प्रोसेसर अगर आपका अच्छा पड़ा होगा तो आपका सीपीयू बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। तो इसके लिए हम पहले अपने कंप्यूटर में जाएंगे और वहाँ प्रॉपर्टी में जाएंगे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ नीचे ये जो लिखा हुआ है इंस्टॉल मेमोरी, ये आपकी रैम होगी, कितने जीबी यहाँ पे पड़ी हुई है, 5 GB, और ये प्रोसेसर होगा, या कि प्रोसेसर इंटेल कोर ये क्वाइट सीपीयू आपका कोर i5 कुछ भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ आई होगी कि किस तरह ये चेकिंग की जा सकती हैं ये चीज़ें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।